द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल इज हेयर ग्रोथ सीरम यह सीरम अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो तो आपको शायद बाकी चीजें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है 2016 में किए गए शोध के अनुसार एशियन हेयर सालाना अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज छ इंच तक बढ़ सकते हैं जी हाँ ये एवरेज है इससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं अगर सही डिरेक्शन में काम किया जाए तो अब क्या है वो सही डिरेक्शन अगर ये आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऑलरेडी नहीं किया है और आज के वीडियो को ध्यान से समझकर कर एग्जीक्यूट करने की तैयारी करने लग जाइए दैट इज इट आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप अपने बालों को लंबा घना प्रेजेंटेबल मैनेजेबल और बहुत हेल्दी कैसे कर सकते हैं and I'm pretty sure आप अपने बालों को इस बार के बोट्स तो नहीं दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इतने बहुत होंगे, होंगे ना? तो आइए जानते हैं सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टूडे आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेवन सिंपल है सारी चीजें आपके घर में मोस्टली अवेलेबल होंगी नहीं होंगी तो आप परचेज कर सकते हैं सभी चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर अपने बालों को लंबा और घना करना है तो जस्ट एक रूटीन क्यूरेट कीजिए आउट ऑफ ऑल द थिंग्स जो मैं आगे, आगे आपको बताने वाली हूँ एंड आई एस श्योर यू की एवरी सिंगल स्टेप जो मैं आगे बता रही हूँ इज नथिंग बट पोर्शन फॉर योर बाल हर स्टेप एक बहुत ही सिंपल और थॉटफुल एक्शन है आपकी तरफ से कि आपके बाल डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे तो पूरे विश्वास के साथ बिना किसी डाउट के पॉजिटिवली स्टार्ट करते हैं हमारा हैक नंबर वन एंड दैट इज मसाजिंग योर स्कैल्प देखिए जैसे आप मसाज करते हैं ना ब्लड का फ्लो बढ़ता है स्ट्रेस लेवल कम होता है आपका स्कैल्प क्लीन होता है ट्राई करके देखिए हल्का सा स्कैल्प प्रेस कीजिए और ऑयल रिलीज होता है मैं हमेशा कहती हूँ कि स्कैल्प ऑयल इज नॉट वेरी हेल्दी फॉर द हेयर लेकिन ये एक मैकेनिज्म है आपके बालों के लिए जिसकी जिससे वो यू नो मॉइस्चराइज होते हैं मसाजिंग आपके स्ट्रैंड्स को भी मॉइस्चराइज करता है एंड एट द एंड आपके बाल काफ़ी मैनेजेबल हो जाते हैं ये टेक्निक बहुत ही अंडर है एंड इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड रेमिडियल एक्शन फॉर योर हेयर आप अपने बालों के लिए अगर ऑयलिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं है आप सिंपल सिर्फ बिना किसी चीज़ के फिंगर टिप्स से अपने बालों को मसाज कीजिए वेरी जेंटली टीवी देखते हुए आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते हुए जस्ट अच्छे से अपने स्कैल्प को मसाज कीजिए एंड गिव इट दैट नरिशमेंट थ्रू योर हैंड्स आपको पता है रेकी क्या होता है हाथ से हील करना योर हैंड टच इज़ समथिंग दैट योर हेयर रूट्स एक्चुअली क्रेव तो ये चीज़ उन्हें प्रोवाइड कीजिए ऑयल और नो ऑयल वे इज फाइन हैक नंबर टू कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल जी हाँ वही थिक ऑयल जो कि शहद की तरह लगता है और बालों में लगाया ही नहीं जाता है इसको आप हल्का सा गुनगुना कर लीजिए इसमें कैरियर ऑयल यानी कि कोई भी फ्रूट बेस्ड ऑयल ले लीजिए आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं आमंड ऑयल ले सकते हैं जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं वो आप यहाँ ले सकते हैं अच्छे से गुनगुना करके थोड़ा सा वर्केबल करके और फिर अपने बालों में हल्का हल्का डिपॉजिट भी कर लेंगे देन ऑल्सो इट इज़ ग्रेट यानी कि आपको मसाजिंग की आवश्यकता नहीं है करेंगे तो ऑब्वियसली बेटर ऑफ है लेकिन अगर सिर्फ डिपॉजिट कर देंगे हल्का सा कैरियर ऑयल करके लूज करके लेंस पे यूज कर लेंगे आप खुद शाइन देखिएगा और आप बोलेंगे कि भाई क्या है ये मतलब क्यूटिकल स्टेम हो जाते हैं आपके हेयर स्ट्रेंथ में जो शाइन आती है वो किसी कंडीशनर से नहीं आ सकती जो कि अकेला कैस्टर ऑयल दे सकता है कैस्टर ऑयल की ग्रोथ के गाने तो मैं कह रही हूँ प्रीति प्रेरणा के चैनल पे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो तो उसकी ताकत जानते हैं लेकिन इसके अलावा भी आप स्टडी कीजिए पढ़िए और देखिए क्या मैजिक आपके बालों के लिए करता है अगर आपके बाल धूप से डैमेज हुए हैं सिर्फ कैस्टर ऑयल ही इनको फिक्स कर सकता है और कोई भी नहीं आप चाहते हैं अपने बालों को धूप के डैमेज से प्रोटेक्ट करना कैस्टर ऑयल इज द सोल्यूशन बालों को ग्रोथ कराना ऑयल इज द सोल्यूशन हेयर रीग्रोथ करना यह बहुत बड़ा क्लेम है और इसके बारे में कोई प्रूफ भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है लेकिन आप इसको भी अचीव कर सकते हैं ये मेरा मेरे पूरे परिवार का विश्वास है इसीलिए प्लीज मेक कैस्टर ऑयल अ पार्ट ऑफ योर हेयर रूटीन हैक नंबर थ्री रोजमेरी एंड पेपरमेंट ऑयल देखिए चैनल पर मैंने रोजमेरी के बारे में बहुत सारी बातें की हैं पेपरमेंट के बारे में एक या दो बार ही की है ज्यादा नहीं आई विल ब्रिंग मोर कॉन्टेंट अराउंड दैट लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि ये दोनों एसेंशियल ऑयल्स कॉन्सेंट्रेटेड प्लांट एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके बालों को ग्रो करने के लिए जो मिनॉक्सीडल होता है ना बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया होगा डॉक्टर ने उसको बीट कर चुका है जी हाँ ये इतना ताकतवर होता है कि मात्र इसका डिपोजिशन आपके स्कैल्प में वो कमाल कर सकता है जो बहुत सारे एप्लीकेशन ऑफ ऑयल और टोनर सीरम आपके लिए नहीं कर पाए हैं तो इसका इस्तेमाल सिंपल कैरियर ऑयल में मिक्स करके आप कर सकते हैं शैम्पू में मिला के कर सकते हैं आप चाहें तो इसको किसी सीरम में ऐड करके यूज कर सकते हैं दे आर जस्ट मैजिक ये ऑयली भी नहीं होते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऑयली हो जाएगा बाल बिल्कुल नहीं होता है बिल्कुल पानी की कॉन्सेंट्रेशन जैसा होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो डायरेक्टली यूज नहीं करना होता है किसी चीज में एड करके ही आप इसको यूज में ला सकते हैं एंड यू कैन हैव द मैजिक टू जो कि आपको ऑफर कर सकता है हैक नंबर फोर राइस वाटर याओ वुमेन के बारे में तो हम सभी जानते हैं मैंने एक डिवोटेड वीडियो इसके बारे में कर रखा है एंड इसने भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हैं तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं आप राइस वाटर को यानी कि जैसे आप चावल बनाते हैं खाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी ले लीजिए इसको छान लीजिए इस पानी से अपने बालों को आप एज टोनर सीरम प्री कंडीशनर जैसे यूज करना चाहते हैं यूज कीजिए एंड आप देखेंगे कि आपके बालों में जो फ्रिक्शन रहता है क्यूटिकल डैमेज हो जाते हैं वो रिपेयर हो रहा है ना केवल ये आपके जो फॉलिकल्स सो चुके हैं जो कि बहुत यू you नो know, आपको बहुत फ्रीक्वेंट ग्रोथ नहीं दिखती है कुछ लोगों के हमेशा कॉन्स्टेंट यहाँ पे छोटे छोटे बाल होते हैं यू नो हेयर लाइन में दैट इज बिकॉज आपका हेयर लाइन रिसीड करता है और फिर वापस ग्रो करता है तो इस ग्रोथ एंड यू नो हेयर फॉल की साइकिल में हमेशा छोटे रह जाते हैं। आप राइस वाटर इस्तेमाल करके देखिए एंड आप देखेंगे कि आपको हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है एंड इट टेकिंग जो भी आपके बालों की परेशानियां हैं अवे एंड वो शाइन ग्लॉस हेल्थ आपके बालों को बहुत अच्छी मिलती है मतलब एक इंग्रेडिएंट ओवरऑल काम जी हाँ हैक नंबर फाइव कैफीन अब कैफीन इज समथिंग जो कि मिनोक्सिडिल के साथ मिलकर कमाल कर चुका है बहुत सारे लोगों के लिए या आपके सोए हुए फॉलिकल्स को जगाता है जैसे कि मॉर्निंग में कुछ कुछ लोगों को जगाता है जो कॉफ़ी पीते हैं एग्जैक्टली exactly वैसे ही कैफीन आपके बालों के लिए गजब की ग्रोथ दे सकता है एंड यू वुड सी फॉर योर सेल्फ कि ये क्या मैजिक आपके लिए कर रहा है नॉट एवरीथिंग इज सूटेबल फॉर एवरीबडी तो इसीलिए आप पैच टेस्ट लेकर ट्राई कर सकते हैं इफ़ इट्स सूटिंग यू तो अगर आपको सूट कर जाए तो आई कैन अश्योर यू कि कैफीन प्लस मेनऑक्सीडल कैन डू वंडर्स फॉर सो मेनी पीपल अगर आप कॉफी का सेवन करते हैं तो आप इस हैक को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इंटरनल बॉडी जब इसके लिए कंफर्टेबल है तो टॉपिकल एप्लीकेशन आपको जल्दी रिवर्ट करते हैं तो दो के केवरी ट्राई और रिजल्ट मिले तो हमें भी बताइएगा ताकि बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ सके हैक नंबर सिक्स वाइटमिन एंड मिनरल्स जी हाँ द लिटरल फ्यूल फॉर योर हेयर ग्रोथ भाई टॉपिकली तो हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन अगर आप एएम एंड पी यानी दोनों ही समय अच्छे-अच्छे विटामिंस एंड मिनरल्स अपनी बॉडी को देते हैं तो ये अलग लेवल बेनिफिट है आपकी हेयर ग्रोथ में अगर आप सीजनल फ्रूट्स uh, आप सप्लीमेंट्स इफ एट ऑल आप बायोटिन के सप्लीमेंट्स लेते हैं या कोई और विटामिन मिनरल सप्लीमेंट आप लेते हैं ये फिनोमिनल ग्रोथ दिखा सकता है आपको एक डिफरेंस दिखा सकता है एक्सेप्शनली आपके बालों के लिए तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कीजिए अपनी बॉडी को वो फ्यूल दीजिए जो कि इंटरनली आपके बालों में वो ग्रेस एंड ग्लो लेकर आएगा दैट बी हैक नंबर एंड द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल इज ग्रोथ सीरम सीरम ये अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको शायद बाकी चीजें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है क्या मतलब इस बात का कि हमने जो अभी तक सुना वो पावरफुल नहीं था जी बहुत पावरफुल था बहुत ज्यादा पावरफुल था लेकिन अगर आपको ऐसे जाना हम मल्टीपल चीजें नहीं कर सकते हैं हमें एक चीज बता दो हम उसको सिंपली फॉलो कर लेंगे like एलोवेरा तो, yes, जेल यू कैन एब्सोल्युटली प्ले द रेश लेकिन अगर कंसिस्टेंसी फ्री फ्लो बनाएंगे तो ये लिटरली सीरम की तरह ही बनेगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे एलोवेरा जेल आप प्लान बेस्ड भी ले सकते हैं मार्केट बेस्ड भी ले सकते हैं जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं वो आप ले लीजिए घर वाले को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा और अच्छे से थोड़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी टेक योर कॉल एंड डिसाइड नंबर टू आपको यहाँ पर लेना है ब्लैक सीड ऑयल यानी कि नाइजेला सीड ऑयल जिसको हम कलौची का तेल कहते हैं ये आपको परचेज करना पड़ेगा लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपके घर के आसपास मिलता है तो गोफोरेड आप उसको ले लीजिए नाइजिला सीड्स आप सभी जानते हैं कितना पावरफुल होता है आपके बालों की हर समस्या के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं मेड बी डैंड्रफ मेड बी फ्रिज मेड बी स्कैल्प इशूज कुछ भी सब चीजें इससे क्योर होती हैं एंड दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग इट ओवर हियर कि आपका स्कैल्प हेल्दी रहे और उसे कोई भी हम ऐसा मौका ना दे कि वो बोले कि भाई इस वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है इस वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है बहुत सारे लोग बोलते हैं डैंड्रफ है ना इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं होंगी नंबर थ्री यहां पर आपको लेना है अप्रॉक्सीमेटली हाफ टेबल स्पून ऑफ रोजमेरी सेंचुर ऑल ओके एंड इट इज द सेम पावरफुल जो भी मैंने आपको बताया रोजमेरीज इज एवरीथिंग फॉर योर हेयर ग्रोथ तो वो आप यहां पर लेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप यहां पर लेंगे रोज वाटर जी हां गुलाब जल सभी चीजों को अच्छे से विस्क कर लीजिए एक सार कर लीजिए और एक ड्रॉपर वाली बॉटल में सेव कर लीजिए क्योंकि सीरम है तो इट विल बी कन्वीनियंट एंड ईजी फॉर यू टू यूज दैट वेज और इसको आप अपने बालों में कहीं कहीं पर डिपॉजिट कर दीजिए Every single day, yes you can use it every single day. कोई परेशानी नहीं है हमने इतने soft ingredients लिए हैं कि individually भी आप उनको you know every single day use कर सकते हैं दिस इज ग्रोथ एलिक्स योर है तो हमेशा की तरह आशा करती हूँ कि आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा नहीं है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा मैं ऐसे ही बहुत सारे मैजिक यहाँ पर शेयर करती हूँ जिनको यूज करके मेरे परिवार के बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं तो आप भी डेफिनेटली अपना जो भी चाहते हैं इफ ऑल यू वांट कि मैं किसी और टॉपिक पर बात करूं तो कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू गिव योर सजेशंस कि मैं और किन किन टॉपिक्स पर आपसे बात करूं सो दैट यू कैन बेनिफिट द मोस्ट मैं आप सभी से मिलती हूं अपनी अगली वीडियो में टिल देन टेक वेली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और हमेशा याद रखिए आप बहुत 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 स्पेशल हैं कीप स्माइलिंग हैव अ नाइस डे